Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 5th of exercise 10A, that is percentage. Question number 5th is convert each of the following into decimal form. Friends, decimal mein change karne ke liye jitni bhi zeros डिनोमिनेटर में होती हैं, जितनी भी जीरोस डिनोमिनेटर में होती हैं, लाइक 1 6 upon 100 है तो उसको दो जीरो है तो पॉइंट दो के बाद, दैट मींस यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लग गया, 0.06 विल बी द आंसर. लेट्स डू हाउ. फर्स्ट पार्ट इज 45%. 45% को हम क्या लिख सकते हैं, 45 upon 100 लिख सकते हैं. नाउ कितनी जीरोज है डिनोमिनेटर में, दो जीरोज है तो दो के बाद पॉइंट, दो से पहले पॉइंट लग जाएगा, दैट मीन्स 0.45 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 127%. नाउ 127% को क्या लिख सकते हैं, 127 upon 100. परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में ले आते हैं, डिवाइड में. नाउ दो जीरोज हैं तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट मीन्स 1.27. राइट फ्रेंड्स, लेट्स डू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 3.6%. फ्रेंड्स 3.6% का मतलब है 3.6 upon 100. नाउ दो जीरोज है नीचे तो यहां तो पॉइंट है ही ऑलरेडी, तो इसके आगे दो वैल्यूज के आगे, यहां कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स जीरो, इसके दो डिजिट्स के आगे पॉइंट लग जाएगा, दैट मीन्स 0.036 इज द आंसर. फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज 0.23%. परसेंटेज को हम अपॉन 100 में लिखते हैं, दैट मीन्स 0.23 upon 100. अब यहां कोई वैल्यूज नहीं है, जीरो जीरो है तो दैट मीन्स दो जीरो, दो जीरो मीन्स दो के बाद पॉइंट, दो से पहले पॉइंट लग जाना, दैट मीन्स 0.0023 विल बी द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.